दुर्गा पर कलेक्टर तिवारी, अबकारी फूड और पुलिस के साथ धमदा रोड स्थित गोल्डन पब और अंजोरा स्थित प्लेजर क्लब की जांच करने पहुंचे। आकस्मिक जांच में पहुंचे दुर्गा पर कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी की संयुक्त टीम ने धमदा के गोल्डन पब में आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और किचन के डीप फ्रीजर में एक साथ वेज और नॉनवेज खाद्य सामग्रियों के रखे जाने पर मैनेजर को फटकार लगाई। वहीं टीम ने अंजोरा के प्लेजर क्लब में भी पूछताछ की, जहां वहां की व्यवस्था देखी और शराब के स्टॉल का मिलते समय अनियमितीकरण पाए जाने पर उचित मॉनिटरिंग के नहीं किए जाने को लेकर आबकारी विभाग के कर्मचारियों को भी फटकार लगाई। हमारे पास बहुत कंप्लेंस आई थी, तो उसके आधार पे हम लोगों ने दो जगह भी कार्रवाई की है अभी तक। एक है प्लेजर क्लब और दूसरा था वहाँ गोल्डन बार एंड क्लब। तो दोनों जगह पे एक तो लाइसेंस की कमी पाई गई, इनके पास लाइसेंस नहीं है। और गोल्डन क्लब में सीन ऐसा है कि लाइसेंस किसी और का है, चला कोई और रहा है, तो ये मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है सब चीज़ें। यहाँ पे तो इनके स्टॉक रजिस्टर में बहुत भारी मात्रा में अंतर पाई गई, जो स्टॉक ये लोग रखे हैं लीकर का और जो स्टॉक इनके रजिस्टर में, उसमें भारी मात्रा में अंतर पाई गई। इनकी सेलिंग भी मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है, कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इनकी अगर सेलिंग देखी जाए एक दिन की, तो उसमें भी 50-60 हज़ार का अंतर पाया जा रहा है अभी तक के काउंटिंग के हिसाब से। फिर ये तो भारी लैब्स हैं, फिर फूड वाले भी इनका वो पाए कि ये लोग किसी भी अनब्रांडेड, जैसे विदाउट हॉलमार्क, विदाउट एक बार कोड, या फिर मतलब ऐसा प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो जिसकी कोई मान्यता नहीं है सरकार में, तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें डाल रहे हैं। तो इस पर अभी फूड वाले भी उसका जाँच करेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी फिर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।